हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मेरी तो गुड मॉर्निंग हो गई है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो, क्या हाल है? आज है रामनवमी, तो नवमी पूजन है आज, आप सबको पता होगा। तो आज हमने बिठा रखे हैं कंजक। तो हम नवरात्रि के लास्ट दिन कंजक बिठाते हैं और कंजका खिलाते हैं। सो आप लोगों को पता ही है, रामनवमी के एक दिन बाद होता है दशहरा। तो मैं उठ चुकी हूँ और उठ के फटाफट से रेडी हो रही हूँ, जाके फटाफट से हम लोग कंजक खिला सकें। और मैं फटाफट से नहा धो लेती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। बाल बाल वॉश कर ली है मैं, नहा चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। और मेरी सिस्टर प्रसाद बना रही है, मुझे सिर्फ बाहर का काम देखना है। कंजक तैयार करनी है, बाहर से लेके आनी है, और उनका प्रसाद वगैरह दीदी ने रेडी कर ही दिया है, बस उन्हें सर्व करना है और उन्हें पूजना है। तो मैं फटाफट से अपनी कंघी वंगी कर लेती हूँ, बाल बाल वॉश कर चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। मेरी दीदी सुबह ही नहा के प्रसाद रेडी करने लग गए थे और बोला था कि आप फटाफट से बाहर का काम देख लो। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी, फटाफट से तैयारी करूँगी, क्या बना है क्या नहीं वो देख लेते हैं। तो प्रसाद में हलवा दीदी ने बना दिया है और फिर हम बनाएंगे काले चने। हमारे यहाँ प्रसाद में यही बनता है, सभी के यहाँ फ़िलहाल यही बनता है, बट हाँ अलग अलग जगह की अलग अलग वो होती है। तो मैंने पूजा भी कर ली है, प्रसाद भी रेडी है, उसके बाद अब रह गई हैं सिर्फ कंजक बिठानी और उनको पूजना। तो मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ बाहर जाके कंजक आज के दिन मिलती भी हैं या नहीं। तो ये दीदी चने के लिए वो कर रही है, रेडी कर रही है। हलवा हमारा रेडी हो चुका है और चने दीदी ने रख दिए हैं बनने के लिए। उसके बाद देखते हैं कंजक आज मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। सो फटाफट से हम जाते हैं बाहर और देखते हैं। वो मैं यहाँ पर ना बिछा लेती हूँ उन्हें बिठाने के लिए फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे कालीन बिछा ली है उनको बिठाने के लिए, अच्छी सी चादर बिछा ली है, ताकि वो यहाँ पे आराम से आके बैठ के अपना प्रसाद छक सकें। तो देखो कंजक मुझे फ़िलहाल मिली गई हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं आज के दिन कंजक गाइस, तो मुझे मिल गई हैं। मैंने फटाफट से इन्हें ऊपर बुलाया और फिर दीदी ने इनके फटाफट से पैर वॉश किए, पैर धुलाए, और मैंने इन्हें फटाफट से बिठाया। इनका हमारे घर आने से पहले ही बुलावा आ गया था दूसरे घर से, तो मैंने बोला ठीक है हम भेज देंगे, पहले हम तसल्ली से खिला दें फिर हम आपके यहाँ भेज देंगे। आज के दिन तो इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है गाइस, आप लोगों को खुद भी पता होगा। तो मैंने इन्हें तसल्ली से बिठा दिया था, मैंने बोला आप लोग बैठो और ज़ोर से जयकारा लगाओ। फिर मैंने एक एक जने को कलावा बांधना शुरू किया और उसके बाद फटाफट से कलावा बांधने लग गई और सबको प्लेट वगैरह दे दी, क्योंकि सबको बहुत जल्दी थी कि हम यहाँ से खा के फटाफट से कहीं और जाएं। आप लोगों को पता है कंजकों को कितनी खुशी होती है जाने की, कंजक खाने की। सो इनको भी बहुत खुशी थी, ये बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो दीदी, हमें वहाँ भी जाना है यहाँ भी जाना है। मैंने बोला ठीक है चले जाना, हम नहीं पकड़ रहे हैं आपको। मैंने फटाफट से इनको कलावा बांधा और उसके अलावा बांधने के बाद फटाफट से प्लेटिंग कर दी। एक हमारे यहाँ छोटे से लेके बड़ी कंजक तक आई थी, मतलब हर माता का रूप आया था हमारे घर में, छोटे से लेके बड़े तक का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कितना अच्छा लगता है जब नवमी होती है, नवमी का लास्ट दिन होता है, जब कंजक पूजते हैं, हमें तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इनको कलावा बांध रही थी और दीदी वहाँ पे प्रसाद रेडी कर रही थी, प्लेट में डाल रही थी। तो मैंने बोला दीदी फटाफट इन्हें खिला दे, क्योंकि इनका बुलावा कहीं और से भी आ रहा है। तो दीदी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तसल्ली से वो करो। मैं कंजकों के लिए बहुत प्यारे प्यारे सामान लेके आई थी और सब कंजकों ने ये बोला कि मुझे मेरे कलर, मुझे मतलब मेरे ड्रेस के कलर के देना। तो मैंने बोला ठीक है टेंशन मत लो, आपके ड्रेस के कलर के ही दूंगी। तो मैंने सबको सबके ड्रेस के कलर के हेयर बैंड्स दिए और उनको कलावा बांधा, फिर उनको उनके सर पे चुन्नी बांधी। देखो मैंने कैसे हेयर बैंड लगाए हैं सबके सर पे।
किसी की चुन्नी में फंसा दिए हैं, किसी के बाल में लगा दिए हैं। इसीलिए बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत प्यारी प्यारी कंजक भी आई थी, इतना हंसी मजाक कर रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने फटाफट से उनको बैंगल्स पहनाई, चुन्नी दी, उसके बाद प्रसाद देना बाकी था। फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले हम सामान दे देते हैं उसके बाद प्रसाद देंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना। फिर मैंने प्रसाद बरताना शुरू कर दिया, दीदी ने प्लेट में चने डाल दिए थे, फिर मैंने पूड़ी डाली, फिर दीदी ने हलवा भी डाल दिया साथ साथ में। प्रसाद तो हम लोगों ने दे दिया था, बस अब हम लोगों ने साइड में भैरव नाथ जी को भी बिठा रखा था, बट उन्हें शूट करना लगता है भूल ही गए। नहीं नहीं आए हैं, देखो हमारे जो भैरव नाथ जी बैठे हैं, तो भैरव नाथ जी को ना पूजो तो कंजक अधूरी रह जाती हैं। हम लोगों ने फटाफट से कंजक पूजी और बहुत मज़ा आया। फिर लास्ट में जाते हुए मैंने उन सबके आशीर्वाद लिए और उन सबको बोला कि आप लोग मुझे सब अच्छे से आशीर्वाद दो कि मैं आगे सक्सेस होऊं और खूब बड़ी बन जाऊं। तो सब लोगों ने बोला हाँ हाँ दीदी आप टेंशन मत लो, हम सब माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो मुझे बहुत मज़ा आया कंजक पूज के, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। हम तो कंज